दी क्यूरियस इंडियन की गाड़ी आज आपको फिर से लेके आ गई है ऑटो 7 वाकड पुणे के अंदर, और हमारे साथ जुड़ गए हैं जीशान भाई। जी सर, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? बस अच्छे हैं, आपकी दुआ है। तो आज भी यहाँ पे गाड़ी का मजमा लगा हुआ है, तो बिना किसी देरी के साथ चलते हैं पहली गाड़ी की तरफ। तो जीशान भाई, कौन सी है पहली गाड़ी? अभी हमारे पास नई गाड़ी आई है, होंडा ब्रियो। अच्छा, वो 2014 की गाड़ी है, सिंगल ओनर है, रेड कलर है और 62,000 चली हुई है। अच्छा। ये गाड़ी फाइनल कस्टमर को देनी है 340,000 रुपये में। एस वेरिएंट है ये। अच्छा, पेट्रोल? पेट्रोल, प्योर पेट्रोल। मैनुअल है? मैनुअल है, गाड़ी पूरी शोरूम मेंटेन है। अच्छा अच्छा, कस्टमर को अगर इस पे वारंटी चाहिए रहेगी तो वारंटी भी मिल जाएगी। अच्छा, ये क्या एवरेज दे जाती है? सिटी में देती है 15-16 का एवरेज। 15-16 दे जाती है, तो ये तो अच्छी है, मतलब चलेगा। तो ये रही सारी डिटेल्स होंडा ब्रियो की। अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, हुंडई की i20। जी जीशान भाई, ये 2018 की i20 है जी। ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट। अच्छा, ओके। और ये चली है 18,000 किलोमीटर सिर्फ। सिर्फ अठारह हज़ार किलोमीटर चली हुई है। अच्छा। और गाड़ी पूरी ब्रांड न्यू कंडीशन में, मतलब जैसे आप शोरूम से गाड़ी लेते हो वैसे कंडीशन की गाड़ी है। अच्छा, और क्या मॉडल बताया आपने? 2018 की स्पोर्ट्स वेरिएंट है। सिंगल ओनर? सिंगल ओनर है। अच्छा अच्छा अच्छा, सिल्वर कलर है। पेट्रोल? प्योर पेट्रोल ले ली। इसकी क्या डिमांड? इसका डिमांड कर रहे हैं हम लोग 6 लाख रुपये। अच्छा, थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा। थोड़ा बहुत हो जाएगा, सही है। तो ये रही हुंडई i20 की डिटेल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, BMW। 2009 की BMW है, 5 सीरीज़ है। अच्छा, सिंगल ओनर है, 56,000 सिर्फ चली हुई गाड़ी है। अच्छा, डीजल? डीजल डीजल डीजल। और ये गाड़ी देनी है अपने को फाइनल 6.5 लाख रुपये में। के अंदर BMW 5 सीरीज विद सनरूफ, आई ड्राइव, सब कुछ, सब फीचर्स है इसमें। सब ये भी अच्छा, डीजल ही है ये? डीजल डीजल। तो एवरेज क्या दे जाती है ये? सिटी में देती है 12-13 का, हाईवे पे देती है 20 का एवरेज। अच्छा एवरेज है। चलिए, ये रही BMW की एक अच्छी डील। अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, मारुति सुजुकी की एस क्रॉस। सर, ये एस क्रॉस 2015 की है। अच्छा, ये भी सिंगल ओनर है, 70,000 चली हुई है गाड़ी, टोटली शोरूम मेंटेन है ये भी, एस क्रॉस। अच्छा, भी अच्छा। अभी तो मारुति ने डीजल बनाना बंद कर दिया। अच्छा, तो हमने इसको संभाल के रखा है कि अच्छा, डीजल गाड़िया का कस्टमर का डिमांड ज़्यादा है, तो कम चली हुई डीजल में गाड़ियाँ मिलती नहीं है मारुति प्रोडक्ट। तो हमको 70,000 चली हुई गाड़ी मिली है, तो हमने रखा है वो भी सेल आउट के लिए। वो गाड़ी फाइनल जाएगी 6,20,000 रुपये में। 6,20 की है एस क्रॉस, बाकी थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा ऑन डेबल, स्लाइटली जी, स्लाइटली हो जाएगा जी जी। तो हल्का फुल्की आपकी बात रख ली जाएगी यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, टोयोटा कोरोला। टोयोटा कोरोला अल्टिस है ना जी, ये है 2010 की। अच्छा, सेकेंड ओनर गाड़ी है। अच्छा, और ये चली हुई है 93,000। पेट्रोल है? डीजल डीजल है सर, डीजल है। और ये जाएगी 5 लाख रुपए में। अच्छा, 5 की रही टोयोटा कोरोला, और उसमें भी थोड़ा नेगोशिएट हो जाएगा हल्का ऑन टेबल, अगर कस्टमर आता है तो जी, थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा उसमें। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, फोक्सवैगन की पोलो। जानते हैं सर से क्या डिटेल्स हैं जी। वो 2015 की है, डीजल है, हाईलाइन मॉडल है, सबसे टॉप एंड, ओके। और ये चली हुई है 65,000, और इसका हमारा डिमांड है 6 लाख रुपए का, मगर उसमें भी नेगोशिएट हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये रही पोलो, क्या मॉडल बताया आपने? 2015 की है। 15 की। अच्छा, 15। ये भी गाड़ी टोटली शोरूम मेंटेन है। हम लोन भी हो जाएगा? हाँ, 11 के बाद की कोई भी गाड़ी है लो, उस पर लोन हो जाता है। अगर 11 के पहले की गाड़ी अगर लोन चाहिए आपको, तो वो पेट्रोल सेगमेंट पे हो जाएगा, वो भी 2009 तक। अच्छा, 2009 से 2011 से पहले का है तो पेट्रोल गाड़ी का लोन होगा। yes. और 2011 के बाद का कोई भी गाड़ी का लोन हो जाएगा? कोई भी गाड़ी का लोन हो जाएगा। अच्छा, और मिनिमम एक क्या अंदाज मान के चलें, जैसे अगर 4 लाख की गाड़ी है तो डाउन पेमेंट कितना परसेंट क्या है? सर देखो, लोन का डिपेंड करता है कस्टमर के प्रोफाइल पे। अच्छा, बैंक तो फंडिंग करने के लिए बैठी है, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो 90% भी लोन हो जाता है गाड़ी पे। निशान भाई, प्रोफाइल अच्छा है मतलब क्या चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोफाइल अच्छी बनाती हैं? देखिए कैसा रहता है,
अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन अगर समझो आपको 20,000 सैलरी है जी, और आप ले रहे हो 5 लाख रुपए की गाड़ी, 5 लाख रुपए का लोन, तो बैंक देने के लिए 10 बार सोचेगी कि अगर इसको 15,000 अगर ईएमआई आएगा तो ये घर कैसे चलाएगा, तो इसलिए बैंक नहीं देती है। उस वैसे केस में 50% फंडिंग होता है। अगर समझो कस्टमर की सैलरी अच्छी है तो उसको लोन तो जितना चाहिए उतना हो जाएगा। अच्छा, और समझो अगर कस्टमर बिजनेस वाला है तो बिजनेस में अगर आपके पास आईटीआर है, अच्छा, आपका बैंकिंग वगैरह अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो आपको बैंक लोन दे देती है, ठीक है। इन केस कस्टमर अगर आईटी रिटर्न्स नहीं है तो शॉप एक्ट के ऊपर भी लोन हो जाता है, मगर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक बढ़ा देती है शॉप एक्ट के ऊपर। मतलब वो आ जाता है नो इनकम प्रूफ, क्योंकि आईटी रिटर्न है तो उसके पास प्रूफ ही नहीं है कुछ इनकम का, तो नो इनकम प्रूफ भी लोन हो जाता है। अच्छा। मगर उस केस में कस्टमर का प्रोफाइल अच्छा चाहिए, जैसे कि किधर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, तो बैंक वो भी लोन कर देती है। अच्छा। तो हम कस्टमर को किसी ना किसी तरीके से लोन करा के पॉसिबिलिटी करा के ही देते हैं। जी, तो ईशान भाई ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी लोन के रिगार्डिंग। आप सभी के कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि फाइनेंस रिलेटेड हमें ज़रा जानकारी आप बताएं हर डीलर के पास, तो ईशान भाई ने यहाँ पे बताया। और बेसिकली आप अगर यहाँ पे आएंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। जरूर जरूर जी, सिर्फ एक पॉजिटिविटी ये चाहिए कि घर खुद का होना चाहिए। अगर कस्टमर का घर खुद का है ना तो जल्दी लोन मिल जाता है। अगर रेंटेड रहेगा तो रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट लगता है कंपलसरी। अच्छा। अगर रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट है तो ही लोन होता है कस्टमर का। अच्छा, अगर रजिस्टर रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट नहीं होगा तो कस्टमर का लोन नहीं होता है। और किसान भाइयों के लिए क्या है अपना? किसान भाइयों के लिए ऐसा रहता है, अगर उनके नाम पे खेत हो गया ना, मतलब समझो अगर एकरों में लगता है कि 3 एकड़ के ऊपर अगर खेत रहेगी उनकी, तो फिर लोन उनको बैंक प्रोवाइड करती है। अगर नहीं होगा खेत उनके नाम पे तो नहीं देती बैंक लोन। अच्छा अच्छा, 7-12 वगैरह डॉक्यूमेंट लगता है? हाँ, 7-12 लगता है, 8 का उतारा लगता है। अच्छा, ये दो चीज़ लगते हैं 7-12 पे। वही बंदे का जिसको लोन करना है उसका नाम 7-12 पे चाहिए और 8 का उतारे पे चाहिए। तो चलिए, ये रही सारी फाइनेंस रिलेटेड बात। अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। ज़ीशान भाई, बजट के अंदर भी काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ आपने रखी हुई हैं। एक मतलब शुरुआत अगर कोई सीखने के लिए भी यह करना चाहे, लेना चाहे, एस्टीम के फ़ैन भी वैसे आजकल मौजूद हैं। सर, मैंने ना इसके पहले 4 से 5 एस्टीम बेचा है। अच्छा। मगर ये गाड़ी आपने देखा ना जी, कैसी है जी। तो वैसी कंडीशन की गाड़ी। आज लोग बोलते हैं कि एस्टीम आउटडेटेड हो गई, ये हो गई, मगर जब एस्टीम का टाइम था ना तो लोगों ने एस्टीम ही यूज़ किया है। मतलब उसके ऐसी प्रीमियम गाड़ी कोई नहीं थी। लोगों के घर में जिसके पास एस्टीम रहती थी वो काफ़ी पैसे वाला लगता था। तो आज भी एस्टीम के शौकीन है जो आते जी। अभी मैंने 6 महीना पहले ना 2021 एकॉर्ड बेचा, ठीक है। अच्छा। उसके लिए वो बंदा मुंबई से आया था। क्यों आया था कि मुंबई उसको वही चाहिए थी, 2001 या 2 के शेप की गाड़ी चाहिए थी, मगर मुंबई में सब गाड़ियाँ सड़ी हुई मिल रही थी। तो वो बंदा इधर आया था मेरे पास, इधर आके गाड़ी की डिलीवरी लेके गया। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं कि पुरानी गाड़ी है तो नहीं बिकती है या पुरानी गाड़ी है तो वो कचरा हो गई, ऐसा कुछ नहीं। जी, अगर जो पुरानी गाड़ी अभी अगर वो मेंटेन्ड है तो हमको भी कस्टमर को अच्छे ही पैसे देने पड़ते हैं, हम उसको कचरे में नहीं ले सकते। कुछ कुछ ये केसेस में क्या होता है, कुछ कुछ कस्टमर्स आते हैं ना तो उनको लगता है कि ये तो आउटडेटेड हो गई, ये तो कचरा ही है। ओपन मार्केट में कोई देता नहीं है भाई। एस्टीम जो है हमारे पास वो 2007 की है, सिंगल ओनर है, एकदम वेल मेंटेन्ड। मतलब सब कुछ चीज़ें हमने करके रखी है, मतलब समझो पेट्रोल। अगर वो चली है 52,000 और उसके चारों टायर ब्रांड न्यू हैं। प्योर पेट्रोल है सर। और चाहे तो सीएनजी भी लग जाएगा ना बाद में। देखो कोई भी पेट्रोल गाड़ी ले लो आप, उसको सीएनजी लग जाता है, भले ही पुरानी हो, कोई इशू नहीं है। और जो लोगों के दिमाग में ये भी है ना कि अभी गाड़ियाँ स्क्रैप होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्क्रैप होना है तो पहले गवर्नमेंट ऑर्डर निकलेगा। अच्छा, उसके बाद भी स्क्रैप बोले तो सिटी में गाड़ी नहीं चलेगी, आउट ऑफ द सिटी गाड़ी चलेगी ही चलेगी, उधर वो रजिस्ट्रेशन भी होगी। ये जो लोगों की मेंटेलिटी, बहुत सारे कस्टमर्स की ये मेंटेलिटी होती है कि नहीं क्या पुरानी गाड़ियाँ, हाँ गाड़ी स्क्रैप ही होने वाली। अरे ऐसा थोड़ी ना रहता है कि दिल्ली में भी जो रूल्स है ना भाई, वो गाड़ियाँ स्क्रैप के बजे उन लोग सिटी से बाहर भेज देते हैं, आउट ऑफ स्टेट ज़्यादा जा रही है। यही कारण है कि वहाँ पे सेकंड हैंड मार्केट ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, फिटनेस निकल जाती है, 5 साल की एक्स्ट्रा फिटनेस वापस निकलवा सकते हैं। आरटीओ क्या देखता है, ये गाड़ी रनिंग कंडीशन में है तो ही इसको अप्रूवल देगा कि और 5 साल चल सकती है अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। एक और बजट में काफ़ी कार रहने वाली है, शेवरोले की स्पार्क। यस जी, ये 2013 की स्पार्क है, 60,000 चली हुई है जी।
ये हमको देनी है 140,000 रुपये में 2013 की। अच्छा। और वो भी LT मॉडल है, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, सब कुछ आएगा, पूना नंबर गाड़ी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से कुछ अलग मतलब महंगी गाड़ियाँ बेच रहे। देखो कस्टमर्स, आज हम भी गाड़ियाँ बेच रहे, अगर हम मार्केट से महंगी बेचेंगे तो कौन हमारे पास से लेगा। तो आपका जो ये डाउट्स था ना कि महंगी गाड़ियाँ, तो आज के डेट में ऐसा हो गया है भाई कि गाड़ियाँ नहीं है मार्केट में, हमको खुद को है ना कस्टमर को ज़्यादा पैसे, जो जो हमने 2 साल पहले बेचा हुआ गाड़ी का रेट है ना, वो रेट में तो आज हम परचेस कर रहे हैं गाड़ी मार्केट में। यूज्ड कार है ना, कस्टमर्स क्या हो गए, न्यू गाड़ी की तरफ कम, यूज्ड कार की तरफ ज़्यादा कस्टमर्स आ गए, तो इस वजह से मार्केट में गाड़ियाँ मिल नहीं रही है। और हमारा कैसा रहता है, अच्छी गाड़ियाँ ढूंढ के लाना, अच्छी गाड़ियाँ बेचना। जैसे कि STM की जानकारी दी ईशान भाई ने, ये एक शौकीनों की कार है, वैसे ही बहुत ज़्यादा शौकीन लोग आज भी मौजूद हैं स्कोडा के, लॉरा के। तो चलते हैं ईशान भाई से जानने के लिए डिटेल्स। जी ईशान भाई, हमारे पास 2006 की स्कोडा लॉरा है, LNK जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट आता था तभी, जी वो विद सनरूफ है, 10 एयरबैग आते उसमें। अच्छा। हाँ, और सेकेंड ओनर गाड़ी है, 1,05,000, और गाड़ी आएगी आपको फाइनल 1,80,000 रुपये में। अच्छा। और ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी है, मतलब विदाउट क्लच वाली गाड़ी। जी जी जी, ये हुआ स्कोडा लॉरा की डिटेल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, मर्सिडीज शो स्टॉपर आज की रहने वाली, काफ़ी ही स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर यहाँ पे खड़ी हुई है। जी ईशान भाई, हमारे पास जो मर्सिडीज़ है GLA 200, ये गाड़ी सिंगल ओनर है, और ये गाड़ी है 2015 की, सिंगल ओनर है, टोटली शोरूम मेंटेन है, और ये गाड़ी हमको बेचनी है फाइनल 15,00,000 रुपए में। ये मतलब इसमें मतलब कुछ नेगोशिएशन नहीं हो सकता है, कुछ नहीं, एकदम बॉटम प्राइस मैंने बता दिया, 15,00,000 रुपए में हमको मर्सिडीज़। यस, डीजल गाड़ी है और टोटली शोरूम मेंटेन है गाड़ी, हिस्ट्री अवेलेबल है। यस, सब कुछ है हमारे पास, पूरा नंबर ही है, MH 14 नंबर है। अच्छा, ये क्या एवरेज दे जाती होगी वैसे? सिटी में देती है 12-13। अच्छा। और हाईवे पे कैसा रहता है, ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी है जितनी भी रहती है, लोगों को लगता रहेगा कि ये सिटी में 12-13 देती है, हाईवे पे ये कैसे क्या 20-22 बोलते हैं, जब उसका 6 गियर आते हैं इसमें, जब 6वां गियर गिरता है ना हाईवे पे, तो टोटली गाड़ी एवरेज 20 का देना शुरू कर देती है। अच्छा। तो लोगों के मेंटेलिटी है, ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी है ना, कभी भी सिटी में आपको कम का ही एवरेज देगी, हाईवे पे जाओगे तो उसका एवरेज बढ़ जाता है, ये रहता है ऑटो ट्रांसमिशन का। और उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो कि कैसे चला रहे हो। स्पोर्ट्स मोड कोई यूज़ नहीं करता है भाई, स्पोर्ट्स मोड किस लिए रहता है पता है क्या, उसमें गियर शिफ्टिंग जल्दी नहीं होता है। जी। जो आपका स्पीड में गियर शिफ्टिंग होना चाहिए वो स्पीड में नहीं होता, तो स्पोर्ट्स मोड में कोई नहीं चलाता है। जी जी, हाईएस्ट RPM तक जाती है। हाँ जी। तो ये रही मर्सिडीज GLA की डील ऑटो 7 पुणे पे। अब जीशान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कोई आपसे गाड़ी परचेज करता है तो उसके बाद अपने पास आफ्टर सेल्स क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? यहाँ देखिए, आफ्टर सेल्स हम लोग कस्टमर को गाइडेंस देते हैं। जी। समझो, मान के चलो अगर आपका बंपर घस गया या कुछ भी XYZ कुछ भी होता है गाड़ी को दिक्कत, तो हम कस्टमर को सजेशन देते कि इधर इधर जाइए, हमारे पहचान के वर्कशॉप है, उधर आपका पैसा कम हो जाएगा। जी। मतलब कस्टमर को गाइडेंस हमारा टोटली सही रहता है, मगर अच्छा, कैसे काम सस्ते में हो जाए। हाँ जी, मतलब पैसे वेस्ट नहीं होंगे वो बंदे के। जी जी। तो ये रही आज हमारी वीडियो ऑटो 7 वाकड़ पुणे के अंदर, और
आने वाली हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबसे पहली बात कमेंट करें, अपनी कोई भी इंक्वायरी हो तो आपकी जो भी क्वेरी हो कमेंट करें, और हमारे चैनल द क्यूरियस इंडियन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।